से 34 हम देखेंगे। मेरे ख्याल से देखिए, लास्ट टाइम बिहार में जो है कंप्लीट डोमिनेंस था, 40 में से 39 सीटें जो है वह एनडीए के खाते में गई थी, और उस समय था जबकि नीतीश कुमार और जो है बीजेपी साथ मिलकर वहां सरकार चला रहे थे। उसके बाद से आप ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार फिर जो है आरजेडी के साथ मिल गए, आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार चलाई, और इस बार जब नीतीश कुमार जब वापस बीजेपी के पास आए और फिर से मिलजुल कर वहाँ सरकार चला रहे हैं, एक चीज़ जो बहुत अहम है, आप ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चूंकि बहुत अच्छी नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है, और इसलिए वो शायद बहुत जमकर कैंपेन नहीं कर पाए, और इसका असर जो है वहां पर खासतौर पे जेडीयू जिन सीटों पर लड़ रही है वहां पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये आशंका हर कोई जता रहा था, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये मान लीजिए कि जेडीयू को का जो नुकसान होगा वो एनडीए की ओवरऑल टैली पर असर करेगा। बिल्कुल, यानी कि जो सीटें अगर एनडीए लूज भी करता है तो वो सीटें जेडीयू की सीटें होंगी, और इस वजह से उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर जो होगा वो नीतीश कुमार का बहुत एग्रेसिव होकर कैंपेन। अब देखिए, इस बार के चुनाव जो है उनकी जो कैंपेनिंग थी उतनी एग्रेसिव थी नहीं, जिस अपनी शार्प स्टाइल के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद जेडीयू जिन सीटों पे लड़ रही है वहां पर कुछ सीटें जो है वो लूज कर सकती है, और इसकी वजह से ओवरऑल जो एनडीए की टैली है वो थोड़ी नीचे आ सकती है। थोड़ा ये भी फैक्टर कहीं इसमें तो नहीं जुड़ जाता है सर कि भाई नीतीश कुमार किधर होंगे, क्योंकि जब पब्लिक के बीच जाते तो पब्लिक के करे हम कंफ्यूज हो गए, कार्यकर्ता कहते हैं हम कंफ्यूज हो गए, क्या पता इधर या कब उधर, ये वाली स्थिति तो नहीं थी। देखिए, राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। मुझे लगता है कि जिन नीतीश कुमार का आपने एग्जांपल दिया उससे भी ये प्रूफ होता है कि अलाइनमेंट कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार शायद उस एग्रेशन के साथ इस बार कैंपेन नहीं कर पाए जिस एग्रेशन के लिए वो जाने जाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। देखिए, एक और स्टेट बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, 14 लोकसभा की सीटें, और इन 14 लोकसभा की सीटों में सभी 14 सीटों का अनुमान भी आ गया है, और झारखंड में बीजेपी को 9 से 12 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन की सीटों की बात करें तो 2 से 5 सीटें वहां पर उनके तरफ जाती हुई दिख रही हैं। इस आंकड़े को कैसे देखें? मुझे लगता है झारखंड के जो ये आंकड़े हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, वो माना जा रहा था कि कुछ सीटों पर चूंकि जिस तरह से कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, जैसे कि आप याद रखिए धनबाद की सीट काफी वहां बवाल हुआ था, इसी तरीके से कुछ सीटें और भी हैं जहां पर कि माना जा रहा था कि शायद पूर कैंडिडेट सिलेक्शन रहा जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो मुझे लगता है झारखंड के जो आंकड़े एक्सपेक्टेड लाइंस पर, मतलब झारखंड में भी इसे हम बहुत खराब आंकड़े नहीं कहेंगे बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर ये खराब आंकड़े नहीं है। आप ध्यान रखिए कि झारखंड में जो ऑलरेडी एक सरकार जो है कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर रघुवर दास की सरकार चली गई थी, हेमंत सोरेन की सरकार आई, हेमंत सोरेन जेल में है, उनकी जगह जो है एक उनकी पार्टी के नेता की अगुवाई में वहां सरकार चल रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि झारखंड के इन आंकड़ों में बहुत सरप्राइज हमें नहीं होना चाहिए। कुछ सीटें जो है सो बीजेपी जो है वहां पर नहीं जीतने वाली थी लग रहा था, इसीलिए जो जिन राज्यों में 100% विन की बात की जा रही थी उसमें झारखंड नहीं था। और बिल्कुल, और देखिए, बड़ा राज्य जो सबसे बड़े राज्य में गिनती होती है, यूपी के 80 लोकसभा सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का अनुमान भी सामने आ गया। बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और एनडीए को 68 से 71 सीट। ये मुझे लगता है कि अगर यह एक्चुअल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो आप ध्यान रखिए कि यह जो 2014 के जो आंकड़े थे उसके काफी करीब पहुंचाना होगा। 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, 2 सहयोगियों को मिली थी, और अगर आप 2019 के मुकाबले देखेंगे तो यह काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है, जहां पर कि बीजेपी ने 2019 में सिर्फ 62 सीटें जीती थी उसके सामने इतना बड़ा गेन आपको दिखाई दे रहा है। 67 से 71 सीटों तक का अनुमान दिखाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का अनुमान सामने आ चुका है। बीजेपी 64 से 67 सीटें जो है वो ला रही है, एनडीए के तौर पर 68 से 71 सीटों तक संख्या पहुंच जाती है। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, आपने हरियाणा में आप देखा होगा कि वहां पर जो जाट हैं उनकी नाराजगी का खामियाजा वहां बीजेपी को शायद भुगतना पड़ सकता है, लेकिन वेस्टर्न यूपी के जो जाट हैं उनका जो हरियाणा के जाटों के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है, वो पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता और ये संख्या आपको नहीं दिखाई पड़ती। पूर्वांचल वाले वोटर पे बड़ी फोकस हो रहा था कि भाई पूर्वांचल वाले वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं होते हैं, लेकिन इन संख्या को देखकर तो
लेकिन ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उसका मतलब ये है कि पूर्वांचल से तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं वाराणसी की सीट से, और वहां पर एकमात्र मिस्ट्री यही है कि मार्जिन कितना बड़ा होगा। जी हाँ, बीजेपी तो एस्पायर ये कर रही है कि इस बार 10 लाख से भी बड़ी मार्जिन हो, तो 5 लाख के भी आंकड़े से आगे जाने का अनुमान बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर एक और कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जीत के हैट्रिक के साथ। और देश के सबसे बड़े राज्य में 80 लोकसभा सीटें जो है पार्लियामेंट में, जो लोकसभा में अकेले उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है, और वहां पर अगर रेंज जो है एनडीए की अगर वह 71 तक जाती है तो इसी वजह से ये पुरवार होता है, इसी वजह से ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है तीसरी बार भी एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ऑलरेडी जो है आप पिछली बार 62 सीटें जीत चुके थे, उसके पहले जो है आप 73 सीटें 71+2 थी, और इसके बाद की आवाज जो आ रही है पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीट का अनुमान सामने आ चुका है। बीजेपी को 21 से 24 सीट, देखिए 18 से 24 तक तो पहुंच गई सर। ये मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी के अपने लोगों की माने तो शायद ये नंबर और बड़े हो सकते हैं। हर कोई ये मान के चल रहा था कि बीजेपी को कम से कम 5 सीटों का गेन वहां पर होगा, मैक्सिमम कितना होगा उसके बारे में वह आंकड़े 30 तक लोग गिना रहे थे, लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल जो बता रहे हैं 21 से 24 सीट ये भी एक मैसिव इंप्रूवमेंट है, जहां पर कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी अपनी डोमिनेंस को लगातार बढ़ा रही है। अब मुझे लगता है कि एक ही मिस्ट्री है, वो ये है कि ओडिशा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद से ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिस पर कि बीजेपी ने काफी होप लगा रखी है, वहां के नतीजों को हमें देखना होगा एग्जिट पोल क्या। बिल्कुल, और ओडिशा के आंकड़े भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, हम जो जैसे एक्सपेक्टेशन चल रही है कि भाई अब थोड़ी देर में वो आंकड़े भी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तमाम बड़े राज्यों की संख्या आपके सामने आ चुकी है। और देखिए 396 तक हम पहुंच चुके हैं, 543 में से 396 सीटों की संख्या राज्यवार आपके सामने इस वक्त, जिसमें झारखंड की 14 की 14 सीटें हो गई, बिहार की 40 सीटें हो गई, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हो गई, और अब यहां पर इंतजार सिर्फ उड़ीसा का है। उत्तर प्रदेश की संख्या जिसमें लगातार ब्रजेश जी भी बता रहे हैं कि भाई 64 से 67, और अगर एनडीए के तौर पर 68 से 71, तो ये अपने आप में बहुत बड़े एक लैंडमार्क कही जाएगी इस संख्या तक पहुंच जाना। ओवरऑल अगर हम पूरे इस आंकड़े को और एग्जिट पोल के इस 396 संख को देखें, और देखिए सर ओडिशा के आंकड़े भी आ गए जिसके हम इंतजार कर रहे थे, ओडिशा के आंकड़े, ओडिशा की सभी की सीटों का अनुमान आ चुका है, बीजेपी को 13 से 15 सीट ये संख्या दिख रही है। ये जो है सो मुझे लगता है कि बहुत एक तरह से कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड लाइन पर है, जो कि हम लोग मान रहे थे कि ओडिशा में बीजेपी गेन करने जा रही है, उसमें अब एक चीज जो दूसरी ये देखनी होगी कि तो लोकसभा हो गए, विधानसभा में भी बीजेपी काफी उम्मीद कर रही है कि हो सकता है इस बार वहां तख्ता पलट हो जाए। 5 बार से लगातार नवीन बाबू वहां पर सरकार बनाते आ रहे हैं, 6ठी बार जो है वो शायद सत्ता से उनको बेदखल करने में बीजेपी कामयाब रहे, या वो होप लेके चल रही है, अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि ओडिशा नवीन बाबू की सेहत का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते रहे, और मेरे ख्याल से वो सेंट्रल थीम भी हो गया था, क्योंकि ध्यान रखें कि खुद नवीन बाबू को आकर कैमरे के सामने बोलना पड़ा कि नहीं जी मैं बिल्कुल चाक चौबंद हूँ, साथ में ये भी कहना पड़ा कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तय नहीं है और पांड्यन होंगे मेरे उत्तराधिकारी, ये तय नहीं है। यानी कि बीजेडी वहां पर किस तरीके से डिफेंसिव पोजीशन में है आज की तारीख में, उसका ये इंडिकेशन। बिल्कुल, तो आपने देखा और समझा कि किस तरीके से यहाँ पर 543 में से 396 सीटों पर जो संख्या है अब सामने है, उसका विश्लेषण भी, और कैसे बीजेपी के लिए, चूंकि ग्रास रूट लेवल पर, और वो पूरे एक चुनाव के साल काम नहीं करती है, वो साल दर साल काम करती है, और 5वें साल तब जाकर वो परिणाम के लिए आश्वस्त होती है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है, और उनका विजनरी होना भी सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर नजर आता है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, और लगातार इन आंकड़ों पर विश्लेषण जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।